कल 28 तारीख को वीर सावरकर जयंती थी, उसके ऊपर मैं वीडियो और उनके थॉट पे जो सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं कि वीर सावरकर का थॉट था, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत लॉजिकल बात है जिसको हम लोग कन्फ्यूजन के वश में मिक्स करते हैं दो अलग अलग चीज़ों से। उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अगर उसको देखना है आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब इस वीडियो में बने रहिए। पाकिस्तान ने अपने इलाके में जो POK है, अब उसका इलाका कहना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और हमारा डिस्प्यूटेड एरिया कह सकते हैं, तो POK में गिलगित बल्तिस्तान में बुद्धिस्ट कार्विंग्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा पेंट किया, आपको फोटो देख सकती है। और कहा जा रहा है कि जो कार्विंग्स थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल 200 साल, ज़्यादा पुरानी थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। वो एक कल्चरल हेरिटेज था, एक मतलब एक ऐसी निशानी थी बौद्धिस्टों की जो ये दर्शाती थी कि वहाँ पे किस कल्चर का निवास था, कौन सी संस्कृति वहाँ पलती थी। और ये सब चीज़ें प्रूफ हैं, जैसे कि अभी शिवलिंग मिला वियतनाम में, ये सब चीज़ें प्रूफ हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ पर रहती थी, कहाँ पर फली फूली और कहाँ पर जन्म हुआ। लेकिन वही बात है कि किसी को अपने कल्चर पे जब ये फील होने लग जाए कि हमसे ज़्यादा रिच कल्चर तो कोई और है, तो वो देख नहीं सकता। और ये चीज़ बहुत आम है जहाँ जहाँ इस्लामिक फोर्सेस गई, रेडिकल इस्लामिक बोलूँ, जो लोग ठीक हैं, जो लोग अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या पता नहीं कितने ठीक हैं कितने अच्छे हैं वो डिबेट का मैटर, लेकिन जहाँ जहाँ रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस गई वहाँ वहाँ उन्होंने हर वो चीज़, हर वो कल्चर, हर उस कल्चर का सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की जिससे उन्हें चिढ़ है, जिससे उनको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एहसास हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई गिलगित बल्तिस्तान में। सोचने वाली और परेशानी की बात तो यह है कि जिस मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन पे हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं, जो सबूत देती है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का कि वहाँ से निकला था, जो इंडस वैली रिवर के पास था, वो भी उनके ही एरिया में पड़ता है, उनकी ही बाउंड्री के अंदर पड़ता है। और उनकी मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बार बार जब भी मैं ये टर्म उनको डिनोट करता हूँ कि ये उनका है, ये उनका नहीं, हमारा है था रहेगा, किसी ने छल से ले लिया है, हम आगे बल से लेना पड़ेगा, बल से लेंगे, छल से लेना पड़ेगा, छल से लेंगे, भविष्य में वो टेरिटरी भारत का हिस्सा होने वाली है। ये आपके ऊपर है कि हमारा समाज कितना जागरूक होता है, कितना प्रोएक्टिव होता है। मैं एज एन इंडियन, एज एक भारतीय के तौर पर कहना चाहता हूँ, जो देख रहा है इसे, हिंदू मुस्लिम, जो इस भारत की टेरिटरी का है, जो इस धरती को रिस्पेक्ट करे, कुछ लोग माँ नहीं मानने को तैयार हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हो, मातृभूमि से प्यार है, चलो मातृभूमि बोल दिया होगा तुम, फिर वही माँ वाली बात आ गई। लेकिन अपने नेशन से प्यार होने वाली बात होती है कि हमारी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक थी, हमें कितने बड़े देश थे, लोग अपनी तादाद बढ़ाते गए, डिमांड बढ़ाते गए, काट के लेते गए, तो हमें उसे वापस तो लेना ही है एक दिन। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।